क्वेश्चन देखा जाए 27 नंबर कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो भैया इसके आयतन में इसके आयतन से भाग कर देंगे। चलिए यहाँ पे ठोस गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित कर देते हैं। यहाँ दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर फिर आपका कह रहा है शंकु की त्रिज्या या शंकु के आधार की त्रिज्या, वह कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई भी दिया है। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई यानी h दिया हुआ है आपके पास 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, शंकुओं की संख्या। तो क्या करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ठोस गोले के आयतन में भाग कर देंगे प्रत्येक शंकु का आयतन से भाग कर देंगे। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, इसका त्रिज्या कैपिटल आर से सूचित किए हैं, और इसका शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखो पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा। अब मैं यहाँ पे वैल्यूओं को रखता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 4 आर, कैपिटल आर है 10.5 गुना में 10.5 गुना में 10.5 और स्मॉल आर का वैल्यू है आपके पास 3.5 गुना में 3.5 और एच का वैल्यू कितना है आपके पास 3, यहाँ से ऊपर सेंटीमीटर क्यूब और नीचे सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं हटा ही देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, संख्या में थोड़ा ही लगेगा। चलिए यहाँ पे काटते हैं इसको, यहाँ से यह 3 बार में कट जाएगा, है ना जी, और यहाँ पे भी यह 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 को काट देते हैं। चलिए 4 में इससे गुना करेंगे, 4 में 10.5 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 42 और 42 तिया कितना हो जाएगा आपका, 126 हो जाएगा ना, 42 तिया 126 आपकी संख्या हो जाएगी शंकुओं की। चलिए क्वेश्चन नंबर